तो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार स्टेट एजेंट सिमुलेटर इस गेम के अंदर। तो आज हम दोस्तों हमारे लिए एक बढ़िया सा पेट यानी कि हमारे लिए एक डॉग खरीदने वाले, और हम देखने वाले कि जो खाली जगह हमें मिलती है ना रेंट पर लेने के लिए, मतलब बाय करने के लिए, सॉरी रेंट पर नहीं बाय करने के लिए मिलती है, उस जगह पर हम कर क्या सकते हैं, मतलब कि उस पर हम कुछ नया घर बना सकते हैं या फिर कुछ अलग कुछ कर सकते हैं, ये मेरे को देखना है। और ये मेटल में गया, ओके ये यहाँ पर एक पेपर पड़ा है, इसको भी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर फेंक देते हैं। ओके दोस्तों, अभी हमारा रेंट लेकर आ गया होगा हमारा बंदा। ओके थैंक यू सर जी, कितना रेंट कलेक्ट कर लिया आपने? और 10 हाउस का रेंट कलेक्ट कर लिया, सिर्फ $5,000 भाई पर डे 3 रेंट कलेक्ट करना है तुमको। ओके जस्ट देयर टेंट्स व्हाई डजंट पे द रेंट 2800। थैंक यू, आई विल टॉक देम, आई थिंक ऑफ फायरिंग। ओके मैं बात कर लेता हूँ सर जी, आप जाओ आप अपना काम करो। अकाउंटेंट मैडम बढ़िया तरीके से काम करें ना? हाँ बढ़िया तरीके से। आपका कीबोर्ड का साउंड तो आ रहा है लेकिन क्या टाइप करते हैं मेरे को मालूम नहीं। मेल कुछ आया है, टुडे इज़ द स्टोरेज। ओके स्टोरेज वॉर्स चालू है, तो स्टोरेज वॉर्स में जाकर कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों नया सामान हम लगाएंगे ना तो ज़्यादा ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं पैसा मिलेगा बराबर से, तो पुराना कुछ भी नहीं खरीदेंगे हम। और फिलहाल अभी मेरे पास पेट्रोल कम है तो इसको फुल कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके भाई फुल करे, टंकी फुल कर ले भाई। ओके दोस्तों फुल हो चुके, अभी जाते रेंट वसूल करने के लिए। और नहीं यार रुको, मैं सोच रहा था कि एक नई कार बाय कर लूँ, लेकिन दोस्तों कार बाय करने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे तो हमारे पास पड़े हैं। लेकिन दोस्तों क्या प्रॉब्लम होता है हमारे, क्या कार के ऊपर खर्चा क्यों करें दोस्तों, इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं कार के ऊपर। अभी हमें बहुत सारे घर बाय करने, फिलहाल ये वाला घर हमने बाय कर लिया। ओके बाय कर लिया, अभी देखते ये वाला घर भी बाय कर लिया, ये भी घर बाय कर लिया, और ये सामने वाला घर भी बाय कर लिया। अभी यहाँ पर जाना है, रुको यहाँ पर एक घर बाकी है, यहाँ पर इसको भी खरीदते। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं रेंट कलेक्ट करने के बाद वो जो जगह है वो बाय करूँ या फिर दिस इज़ अ टू हाई गुड नहीं है मोर फॉर। ओके कितना बोल रही है? $16,000, तो इसको मैं बोलता हूँ $12,500। ओके देती है क्या? चेक करते हैं, शायद से दे देगी मेरे को ऐसा लग। भाई ऑफर मना कर रही है मेरा। आई नीड अ थिंक अबाउट $30,000। मैडम जी इतने में देना ही चाहिए आपको, $500 में एक्स्ट्रा। ओ भाई एक तो ज़्यादा ही मांग रही, $14,000 इसके ऊपर नहीं देने वाला मैं, बाद में लेके जाऊँगा फिलहाल। यार ये कितनी ढीठ है, कोई बात नहीं दोस्तों इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम थोड़ा बहुत रेंट कलर करते हैं। और मेरे को वो जो हाउस मतलब वो जो जगह है वो मतलब खाली जगह उसको खरीदना है, पहले जाके उसको खरीद लेते हैं उसके बाद ना बाकी काम करते बैठेंगे, क्योंकि बाद में पता चले कि भाई हम जो काम करने आए थे वो काम छोड़कर बाकी का सारा काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर रुका देते हैं, और ये $18,900। ओ भाई ओके 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 दोस्तों, इस जगह पर मैं एक घर बना सकता हूँ। ओ भाई मैं बनाने वाला हूँ लेकिन कौन सा बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ ना ये बड़ा वाला है ना ये बनाओ, तो इस भाई साहब कंस्ट्रक्शन टाइम 6 डे लगेंगे इसको बनाने के लिए, उसको लगेंगे पैसे 1,570,750,000। फाइव प्लस 2 रूम्स, यानी कि 2 रूम्स होंगे, 5 कुछ तो किचन हॉल वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। मैं दूसरा और कुछ बना सकता हूँ भाई इसके लिए? $1,00,000 लगने वाले, इसको भी $94,000। भाई ज़्यादा ही प्राइस ले ले यार, ये इतना छोटा सा करे और इसके लिए इतना, भाई साहब यार ये क्या ही हो रहा है। हैज़ नॉट गैराज, गैराज भी नहीं है इसके अंदर। ओके ये भी बढ़िया है भाई, कम से कम ना यहाँ पर 1,00,000 के आसपास ही जा रही, क्योंकि 77,000 यहाँ पर देखो, 83 यहाँ पर, 88 यहाँ पर, 94 1,00,000 1,05,000 ये 1,11,000 ये 1,17,000 1,22,000 इतना तो लग रहा है। तो मैं काम कर बड़ा ही घर लेते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फर्नीचर भी आएंगे,
और बहुत सारे यहाँ पर हमें रेंट भी मिल जाएगा। तो इसको ही बिल्ड पर डाल देते हैं। और भाई 41% अभी बनाए। कंस्ट्रक्शन मैनेजर वेलकम, हेलो, हाउ लॉन्ग बिफोर यू कंस्ट्रक्शन फिनिश? 5 days, 23 hours, ओके, इट्स अ गुड डे भाई, बराबर से घर बनाना यार। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं हम रेंट वसूल करने के लिए, क्योंकि रेंट वसूल करना अभी मेरे लिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे के सारे यहाँ पर लग चुके। और भाई आराम से काटना यार तेरा जो 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 भी कुछ तू काम कर रहा है ना। ओके, तेरे को टाइम चाहिए, ले ले भाई, मेरे यहाँ पर दिवाली चल रही हो, तेरे को टाइम चाहिए। और भाई तू आराम से कर यार, इतना क्यों ठोक ठोक रहा है? ओके दोस्तों, मैं सोच रहा था ना कि और एक नया घर बाय करूँ, मतलब कि और 2-3 घर यहाँ पर बाय करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास पैसे ही नहीं यार। 14,000 डॉलर अभी मेरे पास, $19,000 हो चुके हैं, और मैं ये शायद से घर रेंट पर दे सकता हूँ। रुको रुको, इतने इसको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अरे इसने चेयर्स को बाहर क्यों फेंका है ये भाई? इसने 71% गंदा करके चला गया भाई, भूतनी का गए का। इतना अच्छा अगर इसको दिया मैंने इतनी कम प्राइस में वगैरह, और ये सारा सारा गंदा गंद मचा के चला गया भाई यार, क्या ही बोले यार। कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो यार हर होटल में हर रूम में होता ही रहता है, लेकिन रेंट पर जो रूम लेते ना उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता, जो होटल वगैरह रहते ना उसके अंदर ही रहता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें क्लीनिंग करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। और शायद से ऊपर भी है, ऊपर भी मेरे को जाकर क्लीनिंग करना पड़े। और यहाँ पर 20 फर्नीचर है। ओके, यहाँ पर कहाँ गायब हो गया दोस्तों? देख रहे दोस्तों, ये ना थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, तो इसलिए मेरे को पहले ये क्लीन करना पड़ेगा वॉल के ऊपर का डर्ट, उसके बाद में बाकी का सब कुछ क्लीन करते बैठूंगा ना तो चल जाएगा। फिलहाल अभी एक मिनट को, ओके हाथ लेते हैं, अभी ये क्लीन, ये क्लीन। मेरे को लग ही रहा था यार कॉकरोच कहाँ पर है, मैं ये सोच रहा था। यहाँ पर भाई साहब इसको मार देते पूरा क्लीन। ओके, ये सब कुछ हो चुका है, अभी हम चलते हैं नीचे। और इसको मैं सोच रहा हूँ कि फिर से रेंट पर डालूँ, लेकिन भाई इसने सारे सारे चेयर्स बाहर रखी है, ये देख रहे हो भाई? यार मैंने इतने सारे चेयर्स वगैरह ला कर रखी थी यार, ये कुछ इसने तोड़ा है या फिर क्या किया है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इसको कलेक्ट भी नहीं कर सकता दोस्तों, ये क्या अलग चीज़ करके गया है यार। और इतने मैंने चेयर्स क्यों लाए थे मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने शायद से यार मैंने बड़ा वाला चेयर लाया था, मतलब बड़ा वाला सोफा भी लाया था, इतने सारे फर्नीचर नहीं थी, इतने सारे चेयर्स वगैरह नहीं थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। ओ भाई ये अटक क्यों गए, एक मिनट रुको। ओके, ओ भाई ये अटक गया दोस्तों, क्या ही बोले यार, अटक गया ये। ओके दोस्तों, अभी यार ये अटक रहा है यार दोस्तों, ये क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा ये। ओके ओके, अंदर गया इसके, यहाँ से मैं अंदर भेज सकता हूँ, देख रहे हो? यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर लगाने का, क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा है, ये लग चुका है। अभी इसको ऊपर लेकर चलते हैं अंदर की साइड पर। और भाई चेयर ही चेयर भाई, क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। यहाँ पर चेयर देख रहे हो, कितने सारे चेयर्स हो गए यार, ये क्या चल रहा है यार, खाम का यार। इसने कुछ तो गलत बात की है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, जो सोफा सेट था वो इसने बेचा है और उससे ये चेयर्स कर दी इसने, क्या ही बोले यार। अभी मेरे को चेयर्स ना ये लेकर जाकर रखने पड़ेंगे कुछ अलग जगह पर, क्योंकि यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना इसको रेंट पर डाल के ही चलते हैं, क्योंकि इसको रेंट पर डालना ही है दोस्तों। अभी यहाँ पर ही रुके रुके रेंट पर डाल देते हैं और चलते हैं। और मेरे को रेंट भी कलेक्ट करना है दोस्तों, अभी कितने 8 बज गए यार, अभी जाकर ना सोना पड़ेगा। फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, नहीं, रुको रुको, एक ही यहाँ पर रेंट बचा है उसको भी कलेक्ट करेंगे। लेकिन ओ भाई ये आंटी भी चली गई शायद से। ओके दोस्तों, अभी ये भी रेंट कलेक्ट कर दे, रुको। ओके सर जी, दे दो रेंट, दे दो जल्दी, दे दो। ओके यार बाद में पे कर ले, ले ले भाई, लिटल मोर टाइम, ले ले जल्दी, ले ले, मेरे को छोड़ दिया। ओके दोस्तों, मैं एक काम करता दोस्तों,
मैंने अभी जाकर सोने वाला था, मेरा वही प्लान था, लेकिन यहाँ पर एक आंटी ने घर मतलब रेंट पर से हटा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आकर ना थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेता हूँ और इसको भी रेंट पर डाल देते रुको यार। अगर मैं नहीं 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 सॉरी सॉरी, इस आंटी ने शायद से रेंट दिया होगा इसलिए वो अंदर जाके बैठी है। ओके चलो छोड़ो यार इसको, अभी जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठकर देखते हैं कि भाई 6 दिन लगने वाले हमारा कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के लिए, तो तब तक यार डॉग वगैरह खरीद लेते हैं, रुको डॉग मेरे को ख़रीदना है, तो अभी जाके सो जाते हैं दोस्तों। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर हम घर पर पहुँच चुके हैं, अभी जाकर ऊपर जाकर सो जाते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं और मैडम जी हमारे नीचे काम कर रही होगी। चलो दोस्तों गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नया दिन हो चुका है, फिलहाल यहाँ पर टैक्स वगैरह कट चुका है, इसका कोई बात नहीं, अकाउंटेंट हमारी सारी देख लेगी। अभी चलते हम यहाँ पर एक डॉग खरीदने वाले थे, तो उसको पहले डॉग हाउस यहाँ पर खरीद लेते, शायद से यहाँ पर ही बाय कर। ओके ये देखो ये हो गया भाई, ये जट से हो गया बाय हमारा। और यहाँ पर ये बॉक्सिंग यार कमिंग सून ही बता रहा है अभी तक, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी जाकर ना हम डॉग को भी लेकर आते, और यहाँ पर देख लो यार फार्म भी है, मेरे को फार्म भी चालू करना है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल हमारी कार को यहाँ पर रुकाते, और ये प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक यहाँ पर ठीक है, ये कांच का यहाँ पर जाएगा, और ये पेपर है इसको यहाँ पर चलिए। ओके ख़त्म हो चुका है। सर जी बताओ आपने कितना रेंट वसूल किया? ज़्यादा अमाउंट रेंट वसूल, $12,000। थैंक यू सर जी, यार कोई बात नहीं सर जी, इतना रेंट कलेक्ट कर रहे हो हमें ही ज़्यादा हेल्प हो रही, लेकिन एक मिनट रुको मैं एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरे को मेल पूछता है टुडे इज़ द, यार ये वॉर्स वगैरह चल रहा है मेरे को मालूम है। ओके दोस्तों यहाँ पर मेल तो मैंने चेक करा, लेकिन यहाँ पर कितने सारे घर से यहाँ पर खाली एक बार चेक करते, जा करना वो घर चेक करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि अगर वो घर में फर्नीचर रहेंगे तो उसको उस घर को हम बेचेंगे, मतलब सॉरी बेचेंगे नहीं रेंट पर लगा लेंगे, क्योंकि यार खाली घर क्यों छोड़े यार रेंट पर लगा देते। अब मेरे को दो रेंट लेने हैं, उसके बाद मेरे को जाकर ना हाउस नहीं सॉरी डॉग लेकर आना है, तो उसको भी झट से लेकर आएंगे। फिलहाल मेरे पास $29,000। अभी कोई घर यहाँ पर बेचने के लिए आता है? ओके भाई मैडम फिर से यहाँ पर आ चुके बेचने के लिए, एक बार इस मैडम से बात करके जाते हैं। रुपये $19,000 भाई, $16,000 के लिए बोल रहे थे कल, और अभी $50,000। कल मैं $14,000 दे रहा था, अभी फिर $50,000 दे रहा। छोड़ो आई गिव अप, गुड डे। गुड डे नहीं बैड डे मैडम जी, अभी आपके पास नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। ओ भाई बढ़िया तरीके से हमारा जोर से काम चला। एक बार रुको मैं अंदर जाने को आता है देख लेता हूँ। 16% कंप्लीट हो चुका है मैं यहाँ पर। ओ भाई नहीं जा सकता, ठोक ठोक के यहाँ पर नया घर बना रहे भाई, प्यारा यार प्यारा। ओके एक मिनट हो गया, यहाँ पर एक डॉग है इसको मैं शायद, ओ भाई ये पेट हो चुका है हमारा, अभी इसको मैं कैसे लेके जाऊँ, यू कैन पेट दिस। ओके आ जा भाई आ जा, मेरी गाड़ी में आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा मेरे को समझ में, लेकिन आ जा भाई। रुको एक मिनट, इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा भाई, गिव अस फूड। ओके मैं फूड तो दे रहा हूँ लेकिन, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन यू टेम्ड द डॉग, गिव इट द नेम। ओके इसको नाम डालते, मैंने दोस्तों जो जिम सिमुलेटर था उसके अंदर भी ऐसे नाम डालता जिमी डाल देते, GRMMY जिमी, जिमी ये स्पेलिंग होती है शायद से। ओके स्टॉप फॉलोइंग, ओके फॉलोइंग कर दे भाई, आ जा तो मेरे साथ यहाँ पर कार के साथ आ जा दोस्त। ओके यार अभी ना मैप में ये दिखा रहा है कि डॉग हाउस कहाँ पर है, और वो डॉग भाई हमारे पीछे पीछे भाग के आ रहा है दोस्तों। इससे मैडम से बात कर लेते हैं, थैंक यू मैडम जी रेंट दिया आपने, थैंक यू। और अभी ओ भाई ये आ गया जिमी, जिमी भाई तू कार के अंदर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता यार ये, नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी यहाँ पर कार रुकाते, रुक रही इस कार को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ,
और यहाँ पर एक बार देख के आता हूँ कि कुछ डर्टीनेस है या फिर नहीं। अगर ये डर्टीनेस नहीं होगा, ओके डर्टीनेस नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर रेंट पर डाल देता हूँ। रुको भाई, जिमी कहाँ पर गए? ओ ये कहाँ पर जा रहा है भाई जिमी? रुक रुक भाई, थोड़ी देर रुक तू। कहाँ पर गया? होम पेज। ओके एक मिनट रुको, मैंने इसका 19, ओके 19 नंबर का होम है ये। वेब पेज में जाना है 19 नंबर, ये अभी ऊपर ही है। इसका 3400 डॉलर। ओ भाई ये कम हो गया क्या? ओ 4000 डॉलर डाल के चेक। ओके ये बढ़िया हो चुका है, इसको डाल देते यार, ऐड पर डाल देते। अभी नेक्स्ट घर चेक करते, रुको। तो दोस्तों मैं ना सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना थोड़े बहुत तो घर रेंट पर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रेंट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ही रेंट मेरे को कलेक्ट करना है और ज़्यादा ही मेरे को यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाउस को रेंट पर देना भी है। तो एक मिनट को यहाँ पर भी, ओके यहाँ पर एक रेंट, ठीक है चलो। तो सोच रहा हूँ कि मैं दोस्तों यहाँ पर मैं सारा का सारा काम निपटाता हूँ, उसके बाद हम मिलते। मेरे को 6 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिन के बाद हमारा घर जो है बिल हो जाएगा, और उसको बिल को मैं देखने जाता हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से हो रहा है वो। ओके दोस्तों यहाँ पर अभी एक बार चेक करते, ये घर कौन सा है? 28 नंबर का है क्या? यहाँ पर कोई घर रेंट पर दिया था 28, 42, 55, 28, 41। ओ भाई इतने सारे घर है क्या भाई मेरे? अरे यहाँ पर घर होगा या फिर नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 26, ओके मेल कुछ तो आया 25। एक मिनट रुको, मैं एक बार चेक करता हूँ, मेल भी चेक करके लेते। और न्यू कार इज अवेलेबल इन द डीलरशिप, ओके कोई बात नहीं। 42, 15, 5, 8 और 8 2, ओके 40 और ओके 5, 8, 2 40 के रेंज में दो घर है, और 582 ये ध्यान में रखना है मेरे को। अभी चेक करते रुको। ओके दोस्तों यहाँ पर 50 का यहाँ पर रूम घर दिखा रहा है, लेकिन भाई इसके अंदर मैंने फर्नीचर नहीं रखा, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी एक बार आगे चेक करते रुको, ये भी घर मैंने बाय कर लिया। और ये 6 है और 8 शायद से 7 ही है, ये शायद से मैंने घर रेंट पर दिया है ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके ये रेंट पर दिया है मैंने, और ये आगे वाला घर एक बार चेक करते रुको। यहाँ पर कोई खाली करके गया होगा तो, ओ भाई ये घर खाली करके गया यार। हाँ मैंने यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैंने फर्नीचर नहीं रखा है यार, मैंने ऐसे ही बाय कर लिया था, सॉरी यार दोस्तों। इसको बाद में इसको डेकोरेशन वगैरह मतलब फर्नीचर वगैरह लगाते बैठेंगे, फिलहाल मेरे को देखना है कि ये बिल्ड कैसा होता है। और हाँ दोस्तों नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर परचेस कर लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा घर यहाँ पर मैं सारे सारे घर में फर्नीचर रखने का सोच रहा हूँ। लेकिन देखते भाई कैसे होता रहता है, मेरे को फार्म भी खरीदना है, वो भी मेरा काम पेंडिंग है फिलहाल। अभी एक मिनट रुको, मैं डॉग तो मेरा पीछा कर रहा है, डॉग को हम घर पर छोड़ के आएंगे। और यहाँ पर थोड़ा देर, ओ भाई नए नए कस्टमर भी, ओ भाई ओ भाई, आराम से आराम से दोस्तों। डॉग को यहाँ पर छोड़ दीजिए रुको, केनेल क्या हो गया? ओ भाई आ गया जिमी, आ गया। वार्निंग डॉग भाई, ये बढ़िया पोस्टर लग चुका है। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर रुका, तेरे को आराम से यहाँ पर रुका दी। बोल भाई तेरे को क्या चाहिए? 4000 डॉलर है, देख लेना है तो ले ले, नहीं तो 10 डेज 4000 डॉलर। रिजेक्ट, गुड डे टू यू, भाग बहुत नहीं, इतना महंगा घर दे रहा हूँ और 4000 डॉलर में लेके 2000 डॉलर में लेके जा रहा हूँ। 3000 डॉलर वगैरह बोल देता तो अभी चल जाता, लेकिन 2000 डॉलर भाई, सेंस तो बनना चाहिए ना उस। ओके सर जी आप बताओ, आप मेरे को लग रहा है कि लेके जाओगे टैटू वगैरह, मस्त रिजेक्ट, टैटू वगैरह मस्त, तारीफ वगैरह कर रहा था, लेकिन आप रिजेक्ट होने के लायक हो। ओके दोस्तों मैं ना थोड़ा देर क्या करता हूँ ना, कि यहाँ पर जो हमने घर जो क्लीनिंग वगैरह करके रखे ना, उसके अंदर थोड़े बहुत फर्नीचर रखवा के लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा गाड़ी को फिल कर देता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देर, नहीं यार रुको रुको, अभी ना रात होने वाली, अभी जाकर कोई भी बात ही नहीं बनेगा, तो अभी जाकर मैं सोएंगे क्यों भाई? यहाँ पर देख रहे कस्टमर आते ही रह रहे यार,
ओ भाई इसको क्यों मैंने उठा ले, इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। हाय दोस्त, बताओ आपको चाहिए कि घर नहीं, 10 डेज के लिए ले रहे भाई, ले ले, $4,000 रेंट है, बड़ा रेंट है। ओके, चीप बोल रहा है, लेके जा भाई, कोई बात नहीं लेके जा तू। ओके दोस्तों, अभी ना मैं जाकर सो जाता हूँ, अभी ये Day 2 है, तो मेरे को और 4 दिन यहाँ पर रुकना है, उसके बाद हम जो हमारा घर है, जो हमने क्या बोलते जगह खरीदी, उसके अंदर में जो घर बना रहा ना वो बिल्ड हो जाएगा, और 4 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो इस 4 दिन में ना मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर काम निपटाता हूँ, मुझे सामान रखने वाला था वो सामान रख के लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक दो प्रॉपर्टी बाय कर सकूँगा तो वो भी बाय कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों थोड़ा बहुत थोड़ा देर वेट कर लो, थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लो, उसके बाद देखते कि कैसा घर बिल्ड होता है। और अभी ना एक बार चेक कर रहे मेरी वाइफ कहाँ पर, देख के रुको। ओके, कहाँ पर गई यार, पागल औरत कहाँ पर गई। ओके ये रही, एक बार रुको मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर हमें कुछ तो, व्हाट आर यू डूइंग। ओके यार अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके सी यू लेटर, यार अभी ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा, वो तो वो जब ऑप्शन आएगा ना तब बताऊंगा। अभी जाकर सो जाता हूँ, और नेक्स्ट डे उठकर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर काम निपटाए थे, उसके बाद हम फाइनल लुक देखते हमारे नए घर का। ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो प्यारी सी सुबह हो चुकी है, अब मैं भाग के चलता हूँ नीचे और जाकर सब कुछ काम निपटाए थे, जो भी फर्नीचर बाय करना है वो फर्नीचर बाय कर रहे थे, और जो भी रेंट लेना है वो भी रेंट लेकर सब कुछ काम निपटाए थे, उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा घर जो है कितना बन के रेडी हो चुका है। ओके दोस्तों, मैं ना यहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह उठा रहा हूँ, तो ये कचरा भी उठाए थे। और हाँ दोस्तों, जब तक मैं ये सारा सारा रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ या फिर ये 4 दिन रुक रहा हूँ ना, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और पास वाले बेल घंटे प्रेस कर देना, उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ओके भाई, हमारे बंदे ने 10, ओके एक ने रेंट नहीं दिएगा, ठीक है चलेगा यार दोस्त, चलेगा कोई बात नहीं दोस्त। और कोई गाड़ी, ओके पीछे कोई भी गाड़ी लगी नहीं, मेरे को लग रहा था कि कोई तो आकर यहाँ पर वेटिंग पर रह जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी जाकर ना टुडे इज़ द रेस ओपन है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं बोल रहा था कि थोड़ा देर वेट कर लो, लेकिन यहाँ पर मैं बातें करती है बेटा, तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम 4 दिन के बाद। One eternity later. ऑल राइट दोस्तों, अभी हमने बहुत सारा वेट किया, अभी मैं यहाँ पर ना फर्नीचर लेने के लिए आ रहा था, लेकिन ओके रुको फर्नीचर थोड़ा बहुत खरीद के लेते हैं, क्योंकि मेरे को एक घर डेकोरेट करना है, तो मैंने थोड़े बहुत घर डेकोरेशन वगैरह कर दिया, मतलब फर्नीचर ला कर रख दिया उसके अंदर, तो अभी और थोड़े बहुत चाहिए मेरे को, तो एक एक करके बाय कर लेते हैं। ओके अरे सॉरी भाई, क्या हो गया यार। ओके दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर में बाय करते बैठता हूँ, जब तक मैं फर्नीचर बाय कर रहा हूँ तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और पास वाले बेल घंटे प्रेस कर देना, उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। A few minutes later. ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बाय कर ली, अभी हम चलते इसको डेकोरेशन करने के लिए। फिर ओ भाई 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 भाई, भाई रुको यार, यहाँ पर देख रहे हो भाई कितने सारे फर्नीचर मैंने बाय कर ली, अभी झट झट से इसको हमारे कार के अंदर डाल देते हैं, और अभी इसको लेकर जाने वाला हूँ मैं और नेक्स्ट घर में, मैंने एक घर घर के अंदर मतलब सारे के सारे फर्नीचर रख दिए। फिलहाल मेरे को एक घर के अंदर ना एक चेयर लगानी, वो चेयर पहले ढूंढते, रुको एक मिनट कहाँ पर गई वो चेयर, एक मिनट इसको अंदर रख देता हूँ, ये बड़े वाले चीज़ें जो है ना इसको अंदर रख देता हूँ, उसके बाद मेरे को वो नज़र आएगी चेयर कहाँ पर गई, ये रही चेयर यार, ये मेरे को चेयर चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ पर आया था तब चेयर ही नहीं लेके गया, मैं उसके लिए एक चेयर बाकी है, मतलब उसके लिए जगह एक बाकी है चेयर के लिए, तो वो भी लगा लेंगे। और फिलहाल अभी मेरे दिमाग में और एक आइडिया है कि जो हमारे सारे के सारे मैं घर अभी ले रहा हूँ उसको ना मैं सोच रहा हूँ कि कलर रेड कलर कर दूँ बाहर से, मतलब कि हमें पहचानने में आसान हो जाएगा कि ये घर अभी हमारा है, इसको हम अभी मतलब खरीद लिया है, हमारे रेंट पर दिया हुआ घर है, ऐसा करके तो वो कर लेते यार, झट से उसको भी कंप्लीट कर लेते यार, ख़त्म हो जाना भाई। ओके चलो दोस्तों, इसको ना मैं जाकर लगा लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते, क्योंकि बहुत सारा टाइम जाएगा इसको लगाने में मेरे को। और हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद मतलब
ये इस दिन के बाद नेक्स्ट वाले दिन में हमारा जो कंस्ट्रक्शन का था काम था वो कंप्लीट होने वाला है। उसको फिर जाकर देखेंगे भाई कितना बढ़िया हो चुका होगा वो घर। मेरे को ये देखना है। ओके यहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं बचा। यार पिछली बार आया था तो मैंने ज़्यादा ही सामान लेके गया था, अभी थोड़ा कम लेके जा रहा हूँ शायद से। ओके चलो दोस्तों ये फर्नीचर लगा के लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। ऑल राइट दोस्तों मैंने अभी थोड़े बहुत ही फर्नीचर लगा दिए और मैंने मतलब अभी रात हो चुकी है तो अभी जाकर मैं सो जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे उठकर भी मेरे को बहुत सारे काम भाई। ओके यार रुक गए कार। ओके दोस्तों अभी जाकर सो जाते तो मैं घर को घर के अंदर फर्नीचर रखने जा रहा था, लेकिन भाई वो घर पूरा तरीके से गंदा था तो उसको मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फर्नीचर रखने का काम स्टार्ट किया था। तो अभी रात हो चुकी है तो अभी सोने की बारी है, अभी जाकर अभी यहाँ पर सो जाते। गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नया दिन हो चुका है फिलहाल, अभी झट से चलते हैं और अभी हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर रेडी हो चुका होगा। मैं एक काम कर ओके वहाँ पर बता रहा है भाई, एक मिनट रुको मैं यहाँ पर ना रेंट कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ना मैं हमारे जो फरारी फरारी लैम्बोर्गिनी थी यार ग्लास, यहाँ पर जाना है, ये लग्जरी कार लेकर चलेंगे। ओके दोस्तों पेपर यहाँ पर, ये ग्लास भी मेरे को यहाँ पर फेंकना है। रुको एक मिनट, ये हो गया। ओके एक मिनट रुको, मैं एक्सपी मेरा कितना, ओके 624 एक्सपी हो चुका है। मेरे को दो वर्कर यहाँ पर हायर करने के लिए मेरे को अभी 750 एक्सपी चाहिए, तो मेरे को और 100 एक्सपी चाहिए। और यहाँ पर कचरा वगैरह कुछ भी नहीं। चलो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट कितना हो गया अंकल जी? ओके तीनों ने दिया है क्या? थैंक यू, $15,000 मिल चुका है। ओके दोस्तों अब मेरे पास ना घर कौन से मेरे को देख कर ना मेरे को रेंट पर लगा देना चाहिए। ओके दोस्तों मैं ये वाला घर 4041 वाला घर में फर्नीचर लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत गंदा था तो इसलिए मैंने अभी लगा नहीं दिया। और मेरे को ये घर भी देना है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मैंने ऊपर ना एक कंप्यूटर के पास चेयर नहीं रखी, तो वो चेयर रख देंगे उसके बाद उसको रेंट पर डाल देंगे। फिलहाल मेरे को ओके ये रहा हमारा घर भाई 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 भाई, भाई। इतना प्यारा लग रहा है यार घर। यार ये वाला घर वैसे ही घर है लेकिन कुछ अलग है ऐसा लग रहा है मेरे को। एक मिनट इससे बात करते। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर कंस्ट्रक्शन, ऑन योर कंस्ट्रक्शन। ओके थैंक यू सर जी, हो गया ना? ओके भाई अभी देखते हैं, रुको एक मिनट। 17 नंबर का ये हाउस है। ओके ये वाला घर भी यार, ये वाला घर भी वैसा ही यार, कुछ चेंज नहीं है दोस्तों। ये जो मैंने बिग मतलब बड़ा वाला घर लिया था ना वैसा ही घर है यार, कोई भी चेंज नहीं है यार इसमें। मेरे को लग रहा था कुछ अलग वगैरह मिल जाएगा लेकिन क्या ही बोले यार। एक मिनट रुको मैं ना यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ। मैंने जो बोला था ना दोस्तों कि मैं क्या बोलते हैं, सारे जो मैंने घर बाय किए ना उसको मैं रेड कलर करने वाला हूँ बाहर से, और अंदर से कुछ ऐसा कलर कर देंगे भी तो भी चल जाएगा। ओके दोस्तों यहाँ पर एक बार चेक करते हैं ये वाला रेड। ओके दोस्तों ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों ये घर दोस्तों ये बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन करके हमें ये मिला है, लेकिन प्यारा लुक तो आ रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन वैसा ही घर है इसलिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। ये वो घर भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी जगह पर हमें मिल चुका है, और ये शायद से घर हमने रेंट पर दिए नहीं। रुको एक मिनट रुको मैं एक बार चेक करता हूँ। 7 नंबर, और शायद से ये वाला घर नहीं, शायद से ये वाला घर नहीं, 7 नंबर और ये वाला घर 7, यानी ये शायद से 8 होगा। ओके 8 है, तो एक मिनट रुको मैं यहाँ पर ना थोड़ा बहुत खाना खा के लेता हूँ पहले। रुको एक मिनट, खाना मैंने कितने दिन से नहीं खाया, यहाँ पर 0 12% बढ़ चुका है अभी, वाटर भी लेवल बढ़ जाएगी। एक मिनट रुको, ये हो गया, इतना ही खाना खा लेते हैं अभी के लिए फिलहाल, और बाद में यहाँ पर हम थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे। अब तो मेरे को एक बार चेक करना है 7 और 8 नंबर। भाई ये घर रेंट पर नहीं है। ओके तो इस घर का प्राइस कितना डालो? 5,000 एक्सपेंसिव नहीं, ओके इतने में ही देते यार, जो भी ज़्यादा प्राइस होगी ना एक्सपेंसिव जाता है तो जाने दो दोस्तों, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। और 6 नंबर का घर, ये 6 नंबर का घर कौन सा है देखना पड़ेगा। 7 नंबर का घर तो ये तो मैं रेंट पर देने वाला हूँ, इसको 5,000 बोलते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया ये। मैं इसको बोल देता हूँ 4,000।
ओ भाई ये भी ज़्यादा बोल रहे, क्या ही हो रहा है 3,000? नहीं भाई यार, सॉरी सॉरी, इसके अंदर फर्नीचर नहीं है इसलिए इतना प्राइस ये ज़्यादा बोल रहा है, एक्सपेंसिव वगैरह बोल रहा है। ओके यार, अभी के लिए ना फ़िलहाल मैं इतने प्राइस में दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे घर के अंदर मेरे को यहाँ पर सारी सारी चीज़ें ला कर रखनी है, वो फ़िलहाल आज के इस एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो एक बार यहाँ पर इसका प्राइस डालते हैं 3,500। ओके, इसका चीप एक्सपेंसिव, ओ भाई चीप बता रहा है क्या? एक मिनट रुको, इसका डाल देता हूँ 5,000। ओ भाई ये कौन सा घर है यार, इसका प्राइस ज़्यादा है जा रहा है, 6,000। इसके अंदर शायद से मैंने फर्नीचर लगा है। एक मिनट रुको, ये कौन सा घर नंबर है? हाउस नंबर कहाँ पर है यार? एक मिनट रुको, इसके अंदर हाउस नंबर 8 नंबर का हाउस शायद से। ओ भाई तू क्यों रुका यार मेरे? ओ भाई भाई, रुक 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 रुक, भाग भूतनी के भाग, मेरे को क्यों घुमा रहा है इसके अंदर? ओ नो, ये 8 नंबर का ही घर है ना, लेकिन ये घर शायद से बड़ा है इसलिए इतना प्राइस जा रहा है। एक काम करते यार, अभी ना रेंट पर डाल ही देते यार, 6,000 बोल रहा था, 6,000 में ही डाल देते, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा हमें। अभी फ़िलहाल मैं फर्नीचर वगैरह बाद में लगाऊंगा इसके लिए। ओके 6,000, ओके हो चुका है भाई। 46% डर्ट है यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को सारे सारे घर में फर्नीचर ला कर रखना तो अभी तो पॉसिबल नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना सारे सारे फर्नीचर लगा के ले लूँ, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसके अंदर। और ये भी घर भाई बढ़िया लग रहा है यार, ये घर अपने लिए रहता ना दोस्तों तो मैं इसको रख लेता यार। भाई कितना बढ़िया लग रहा है, देखो एक मिनट को, मैं यहाँ पर लैम्बोर्गिनी हमारे लगा के यहाँ पर दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, ये देख लो भाई ये हट जाएगा। ओके ये देखो यार दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है ये घर, पास में एक लैम्बोर्गिनी और ये बड़ा वाला रेड घर। यार सच में यार जच रहा है घर, लेकिन वैसा ही है सिस्टम, तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसको भी अभी देखते हैं कि इसको भी डेकोरेशन फर्नीचर वगैरह लगाने का काम कैसा चलता है। उसको फ़िलहाल अभी वैसे ही छोड़ देते, बाद में मैं इसको ना बहुत सारा फर्नीचर ला कर रख दूँगा और उसका प्राइस अभी बढ़ा लूँगा। तो इस एपिसोड के यहाँ पर एंड करने से पहले मैं आपको एक बार ना यहाँ पर रुको, ये वाली कार, भाई भाई ठुक ठुक गई दोस्तों, लैम्बोर्गिनी मेरी ठुक गई, रुको यार यहाँ पर खड़ी रहे। मैं एक काम कर रहा था दोस्तों, मैं जो कंप्यूटर की चेयर जिस घर पर लगाने वाला था उस घर पर लगाता हूँ, उसके बाद उसका रेंट आपको देखा था और उसके अंदर मैंने फर्नीचर कितने सारे रखे आपको देखा था। और यहाँ पर कस्टमर आ ही रहे भाई, 3 घर मैंने यहाँ पर रेंट पर डाले भाई साहब, रुको यार रुको रुको, ओके ओके ओके, बड़े 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 ड्रिफ्ट बढ़ गई है, लेकिन आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से। ओके यहाँ पर रुक गई, अभी चेयर कहाँ पर गई? ये रही चेयर, ओके इसके अंदर डर्ट, ओके डर्ट नहीं है दोस्तों, और ये चेयर यहाँ पर फंसी है, ये रुको एक मिनट एक मिनट रुको, ओके आ गए आ गए, निकल के आ गए, आ जा भाई ऊपर आ जा। ओके ये रही यहाँ पर चेयर लगाने की बाकी थी, इसको अभी लगा दे। इसका रेंट जा रहा है 13,000 भाई, ये थोड़ा रेंट कम जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो एक बड़ा वाला घर था ना वो अंकल ने खरीदा था, वो वाला घर शायद से कुछ 15,000 अराउंड जाता था, लेकिन एक बार चेक करते दोस्तों, ये 5 नंबर का घर है, इसको रेंट पर डालकर चेक करते हैं, अगर इसका भी 50,000 बढ़िया रहेगा रेंट तो मैं इसको 50,000 में ही डालने वाला हूँ। ओके एक्सपेंसिव, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव बता रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार इसको डाल देते। फिलहाल देखते हैं कि ये घर कौन रेंट पर लेता है या फिर नहीं, और एक बार चेक करके आता हूँ कि जो 15,000 रेंट मेरे को एक घर से मिलता है वो घर के अंदर कोई है या फिर छोड़ के गया है यार, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंट लेने के लिए नहीं आया, हमारा बंदा आ रहा है तो इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। 42, ओके ये घर शायद से रेंट पर, भाई रेंट पर नहीं ये घर, ये यार वो क्या होगा? अरे भाई आराम से यार, ठोका ठोकी मत कर यार, अरे हटाना भाई गाड़ी यार। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर एक कार निकलने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, यार ये क्या हो गया यार मेरा,
यहाँ पर मैं सही से कार लगा के जाना चाहिए था यार। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको बाद में ना मैं हमारी लैम्बोर्गिनी लेके आ करना यहाँ पर ठोक दूंगा तो निकल जाएगी। फिलहाल मेरे को इसको ना पूरा पूरा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को इसको रेंट पर देना पड़ेगा, क्योंकि भाई $15,000 इससे मिलता था रेंट मेरे को यार। इतना ज़्यादा अमाउंट मैं क्यों मिस करूँ यार। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर ना क्लीनिंग वगैरह करते बैठता हूँ, तो इस वाले एपिसोड को यहाँ पर ही। भाई रुको 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 रुको, ओके दोस्तों रुको रुको, एक मिनट रुको, घर गाड़ी वो जा चुकी है। फिलहाल दोस्तों इस वाले एपिसोड को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल घंटे भी प्रेस कर देना, उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों इस वाले एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।